नमस्ते। सो मैं शराबी हूँ, मेरा नाम गोपी है। हाय हाय गोपी। गोपी। हाय गिरिधर, आपका प्रोग्राम और मेरे फैमिली मेंबर। उसे इसलिए शराब नहीं पी है और बढ़िया चल रहा है। उसको कल जैसा आठवें कदम में बात किया मैंने कि आठवें कदम तो सिर्फ लिस्ट बनाने को और तैयारी की बात करता है, लेकिन नौवा कदम जो है वो बोलता है कि जहाँ भी संभव है वहाँ पर प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई करने की बात करता है, और सिवाय ऐसा करने से किसी और को चोट न पहुंचे। मुझे नुकसान भरपाई करना है ये है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी और को चोट न पहुंचे। मैं जो जिंदगी जी के आया हूँ और उसके अंदर जो हरकतें मेरे आज से हुई है उस काल में, तो हो सकता है कि मेरे माफी मांगने से भी किसी को चोट पहुंच सकती है। तो ये कौन तय करेगा कि किसको चोट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? तो जाहिर सी बात है कि मेरा तो स्पॉन्सर तय करता है और वो मुझे इस कदमों में काफी मदद करता है। अब दोस्तों, जैसे कल बात की है कि आठवां कदम, अब मेरे पास लिस्ट तैयार है। मैंने लिस्ट बनाई है स्पॉन्सर के साथ में बैठ के, स्पॉन्सर को भी बताया है, और अब मुझे उस वक्त का इंतजार करना है कि जब सही वक्त आएगा, सही व्यक्ति के पास जाकर मैं अपनी नुकसान भरपाई करने की कोशिश करूंगा। तो एक बात है जो बहुत पहले हो जानी चाहिए, अगर आर्थिक नुकसान मैंने किसी का किया है, किसी का लेना देना है, तो वो उसके लिए 9वें कदम तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने पहले ही कर देने चाहिए। मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ आर्थिक मामला इतना था नहीं, क्योंकि मैं उधारी में विश्वास नहीं करता था, तो मुझे उधारी में किसी से कभी लेता नहीं था। हाँ था मेरा, लेकिन बहुत कम था, वो 1000-2000 रुपए से ज्यादा नहीं रह रहेंगे, और वो मैंने जल्दी चुका दिए थे। वो आर्थिक मामला मेरा क्यों ऐसा था, क्योंकि मेरा मानना ऐसा था कि मेरे को लोगों से माफी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। खैर, ये मेरा घमंड भी था, इसलिए शायद मैं ऐसा करता था। और दूसरा बात ये थी कि मुझे बहुत कम पना लगता था, तो मैं तो माने से विश्वास करता था। तो ऐसा कुछ मेरा मामला था, इसलिए आठवां मामला ज्यादा नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसा आठवां कदम में बोला गया है, आठवां कदम मेरा तैयार है, अब मैंने सूची बना ली है, और अभी मुझे वो लोगों के पास जाके नुकसान भरपाई। तो जैसा सुनी थी तो वो लिस्ट के अंदर मेरा पहला नाम था, तो पहली नुकसान भरपाई मुझे मेरी करनी पड़ेगी, हायर पावर की करनी पड़ेगी, मेरे करीबी लोगों को। मैंने ज्यादा दुखाया किनको है, तो मेरे करीबी लोगों को, बाहर के लोगों को भी दुखाया है, लेकिन वो इतना नहीं। मैंने मेरे करीबी लोगों को ज्यादा दुखाया है, तो मुझे उनसे नुकसान भरपाई करनी। लेकिन पहले के जो 8 कदम है, हम जो करते आए अभी तक, मैं करते आया, तो पहले 7 कदमों के अंदर मैं सोबर हो गया। मैं कौन हूँ ये मैंने देख लिया, मैंने स्पॉन्सर के नज़रिए से भी देखा कि मेरे गलतियों का सही स्वरूप क्या है। 6वें कदम में मैं मेरे दोषों को निकालने के लिए तैयार हो गया। 7वें कदम के अंदर मैंने मेरे कमियों को निकाला। 8वें कदम में मैंने मेरा मन बना लिया कि वो जिन लोगों को मैंने दुखाया है, उन सबकी मैं नुकसान भरपाई करूँगा। अभी नुकसान भरपाई करूंगा मतलब क्या, कि मैं सिर्फ वो दो शब्द नहीं बोलूंगा,
सॉरी मेरे से गलती हो गई और मुझे माफ कर दो। ये शब्दों का इस्तेमाल मैं पीने के दौरान बहुत बार कर चुका हूँ और मेरे करीबी लोगों के लिए ये शब्द कोई नए नहीं है, उनको शायद ये शब्दों की आदत हो गई है। शायद शराब और ये शब्द का इस्तेमाल मैंने शायद हर रोज किया है। तो अब मुझे करना क्या है? तो मुझे जो कुछ भी मैंने गलतियाँ की है उन सब की जिम्मेदारी, मुझे सबसे पहली जो चीज करनी है तो मुझे मेरे व्यवहार में बदलाव लाना है। ओके, शराब पीने से उनको तकलीफ नहीं हुई है, अगर शराब सीधा जो परिणाम करती है तो मेरे शरीर को करती है, शायद मेरे मन को करती है, लेकिन उसी के साथ साथ शराब ने जो मेरे बर्ताव में जो परिणाम लाए थे और मेरे नज़दीकी लोगों को, करीबी लोगों को जो तकलीफ हुई है वो मेरे बर्ताव से हुई है। तो अब मुझे उस तरीके का बर्ताव नहीं करना है। और अगर ये कुछ साल के लिए मैं करता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले 7 कदम वो चीज़ों को बदल लाने में मुझे काफ़ी हद तक मदद करते हैं, और वो बदलाव जब मेरे अंदर आता है तो फिर मैं उनसे बैठ के बातचीत कर सकता हूँ कि हाँ मैंने तब ऐसा ऐसा किया था और उस चीज़ के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और हो सके तो आप मुझे माफ़ करो। दोस्तों मेरा तजुर्बा ऐसा रहा है कि मैं जिन जिन लोगों के पास गया, जिन लोगों से भी मैंने बोला, तो मेरे सब करीबी लोगों ने मुझे कहा कि नहीं अरे छोड़ किधर तू लेके बैठा है, अभी हम तो कब का वो भूल भाल गए ले, तो उस चीज के लिए तू बुरा वो बिल्कुल मत मानना, हमें मालूम है कि तू वैसा नहीं था लेकिन तेरे जिंदगी में शायद कुछ प्रॉब्लम आए थे करके तूने ऐसा किया रहेगा। दोस्तों मुझे एक घटना याद आती है कि मेरे दो सिस्टर की शादी थी 2000 साल में, उनकी शादी की और मैं तब कुछ रिकवरी में था, और बहनों की शादी की बात चल रही थी और मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि गोपी तू तेरे बहनों से बात कर, क्योंकि अभी उनकी भी उम्र हो चुकी थी, शादी की उम्र निकल चुकी थी मेरे शादी पर उनके चलते। तो मेरा जो मेरे बहनों के साथ में रिश्ता खराब हो गया था, एक दिन मैंने शराब पीकर मेरी बहनों को बहुत गंदी गंदी गालियां दी थी और उसका परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ था कि हम एक ही घर में रहकर मेरे घर के कोई भी सदस्य मेरे से बात नहीं करते थे। और अब जब मैं रिकवरी में आ गया था, मैं प्रोग्राम पे चल रहा था और मेरा धीरे धीरे उनसे बातचीत होना चालू हो गया था और मेरी दोनों ही सिस्टर मेरे साथ में बहुत कंफर्टेबल थी और मेरे सब परिवार के सभी सदस्य जानते थे, तो उन्होंने उनकी हिम्मत नहीं हुई मेरी बहनों से बात करने की, ये कहा कि गुप्पी तू जा और तू जाके तेरे बहनों से बात कर कि हम लोग तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं, तो क्या करें, हम लड़का देखें या आप लोगों ने देखा है पहले से। और ये बात परिवार के किसी भी सदस्य को बोलने की हिम्मत नहीं हुई और ये बात वो लोगों ने मुझे कहा कहने के लिए, और मैं जाके मेरी दोनों बहनों से बात किया और मैंने ऐसा ऐसा है कि हम लड़का देखने की सोच रहे हैं तो क्या करें। तो मेरी दोनों बहनों ने बोले भैया तू कुछ डिसाइड करेगा, हमें मंजूर है, हमें सही है, और इस बात से मैं काफ़ी खुश हो गया। और मैं दूसरे दिन जब मीटिंग गया तो मैं मेरे स्पॉन्सर के पास गया और मेरे स्पॉन्सर को मैंने कहा कि ऐसे ऐसा हुआ है, तो जब तक एग्रीमेंट हो चुकी है मेरे घर वालों ने मुझे क्षमा कर दिया है। मेरे स्पॉन्सर ने कहा हाँ ठीक है ऐसा लगता तो है लेकिन इसमें तेरा कुछ नहीं है, ये उनका अच्छापन है
कि वो लोगों ने तेरे गलतियों को नज़रअंदाज करके तुझे ये मौका दिया है। और दोस्तों थोड़े टाइम के लिए मेरे पैर से पैरों तले की जमीन निकल गई। मैं बोला यार थोड़ा सा मैं सातवें आसमान में पहुंच गया था कि 100 मोमेंट्स वगैरह हो गई है, लेकिन स्पॉन्सर ने मुझे मेरी हकीकत याद दिला डाली। और वाकई में दोस्तों ये बात सच है कि ये उनका बड़प्पन है, ये उनका अच्छापन है कि जिन बहनों को मैंने गंदी गंदी गालियां दी थी, जिनके साथ में मैं एक गंदे तरीके से पेश आया था, और वो लोग मुझे इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो दोस्तों तो जैसा कल भी मैंने बोला था कि अगर मैं उनके जगह पर रहकर देखूं तो कैसा उनको महसूस हुआ रहेगा। और ये बात नुकसान भरपाई करते टाइम पे मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि सामने वाले की जगह पे रहकर मुझे देखना चाहिए और मुझे सोचना चाहिए। क्या मैं मेरा कदमों पे काम करने के लिए, मेरे भूतकाल का कचरा निकालने के लिए, या के सामने वाले से सिर्फ माफी मांग डालूं और मैं बोलूं कि हाँ मैंने तो मेरा काम किया, मैंने मेरे तरफ से कोशिश की। दोस्तों ऐसा नहीं है दोस्तों, ये मुझे कुछ और बात बताने की कोशिश करता है, या ये कदम मुझे कुछ कहीं और लेके जाने की कोशिश करता है। मुझे मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि पास्ट की इनरिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, कि भूतकाल के अंदर जो गैर जिम्मेदार तरीके से तूने बर्ताव किया है उसकी जिम्मेदारी तुझे वर्तमान में लेनी है, और तूने गलत किया है तो तुझे ही वो ठीक करना पड़ेगा। और दोस्तों ये एक दिन में गलत नहीं हुआ है और ये एक दिन में ठीक भी नहीं होगा, तो मुझे अब ना माफी में जीना पड़ेगा, सिर्फ सॉरी बोल के नहीं चलेगा, तो मुझे माफी में जीना पड़ेगा। और सेम टाइम पे मुझे ये भी बात देखनी पड़ेगी कि यार मैंने ना मेरे घर वालों को बीमार बना दिया, इतने साल में 12 साल शराब पी कर ऐसी पागलों जैसी हरकतें मैंने की है, और उसके वजह से मेरे घर के लोग साइकोसोमेटिक बीमारी के शिकार हो गए या साइकोटिक हो गए। उनके अंदर ऐसा बहुत सारा डर बैठ गया है, बहुत सारी ऐसी असुरक्षताएं बैठ गई। अब आगे जाके क्या होने वाला है? मुझे याद आता है कि मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ में ही सोबर हुआ था, और वो काम के सिलसिले में पूना से किसी दूसरे राज्य में, साउथ के कोई राज्य में जाके काम कर रहा था, और एक दिन उसकी माँ सुबह सुबह कुछ 5:30 पौने 6 बजे मेरे दरवाजे पे आकर दरवाजा बजा रही थी, और मैं दरवाजा खोला और मैं पूछा, बोला आंटी आप क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? तो बोली बेटा प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अभी भी सपना देखा कि तेरे दोस्त ने ना वापस से पीना चालू किया, तो तू थोड़ी देर के बाद ना उससे फोन करके बात करना ताकि मुझे तसल्ली मिले। तो मैं बोला आंटी वो सपना है, आप काहे को घबराते हो, मेरा कल ही उससे बात हुआ और वो ठीक है, नहीं फिर वो फोन कर और मेरे को बता। तो उन दिनों तो कुछ वो मोबाइल फोन थे नहीं, लैंडलाइन ही फोन था, तो मैं उनके ही घर से उसको उनके ही सामने बातचीत किया, और फिर वो बोले कि कैसे का तू याद किया, वो दोस्त ने मेरे बोला यार ऐसे ही जस्ट याद आई करके ऐसे ही फोन किया करके, बोला कल ही तो बात हुआ था, बोला हाँ यार फिर भी ऐसे ही। वो उसके माँ की तसल्ली के लिए मैंने किया, लेकिन उस दिन देखने के बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार उस मेरे दोस्त की माँ को अगर ऐसा लग सकता है तो मेरे घर वालों को क्या लग सकता है।
मेरे घर वालों को भी मैंने इतना ही तकलीफ दिया है, शायद उससे भी ज्यादा तकलीफ दी है। तो मेरे घर वालों का जो मानसिक और भावनिक जो परिणाम मैंने उनके जीवन पे छोड़े हैं, वो इतने जल्दी नहीं भरने वाले। और अभी मुझे उनके साथ में अच्छे तरीके से ही रहना पड़ेगा, और उनके साथ में जितना मैं प्रेम से, समझदारी से पेश आऊंगा, धीरे धीरे उनका वो मेरे रिकवरी के तरफ ध्यान जाएगा, मेरे अंदर हो रहे परिवर्तन के तरफ ध्यान जाए, तभी शायद वो बातें धीरे धीरे वो भूल पाएंगे कि मैंने आप लोगों के साथ में ऐसा किया था, उसके लिए मुझे आप लोग क्षमा कर दो। ये बोलना शायद मेरे लिए आसान है, लेकिन मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि अमेंड्स में जीना। मैं दोस्तों बाकी की चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तो बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ जहाँ पे मैंने नुकसान किया है, लेकिन स्पेशली मेरा ज्यादा से ज्यादा समय जो बीतता है वो परिवार में बीतता है, और मैं अपनी वही चलाता हूँ जहाँ पर मेरी चलती है। जहाँ मेरी नहीं चलती है वहां मैं नहीं चलाता हूँ, मुझे मालूम है मेरी कहाँ चलती है। तो मेरा सबसे ज्यादा जो काम मैंने किया है तो वो मैंने मेरे परिवार के अंदर किया है, और वो ठीक करना वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आज ये भी देखता हूँ कई बार कि मेरे घर के जो जूने सदस्य हैं, जिन लोगों ने मेरा वो जो बर्ताव देखा है, खास करके मेरी आंटी है, उसका कुछ गड़बड़ हो गया है। और आज मैं देखता हूँ कि बहुत से टाइम पे वो जो भी बर्ताव करते रहती है, इवन आज भी, अभी तो मैं काफी साल से सोबर हूँ, काफी साल से मैं रिकवरी पे हूँ, और वो कई बातें ऐसी करते रहती है जो कि लोगों को ऐसी स्वीकारी नहीं जा सकती है। कई बार अभी मेरी शादी रिकवरी में हुई, तो मेरी वाइफ मेरे को बोलती रहती है, तुम्हारी आंटी देखो ना ऐसा क्यों करती है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उनका सही है क्या रहा? तो मैं उनको बोलता है, मेरे वाइफ को मैं बोलता है, बोलता तुझे नहीं मालूम मेरे भूतकाल के बारे में, और मैं ऐसा खतरनाक तरीके से रहा हूँ, और शायद हो सकता है कि उसी चीजों का एक परिणाम है शायद उनके ऊपर। कुछ चीजें हो सकता है कि मैंने मेरे परिवार के लोगों की परमानेंटली डैमेज कर दी है, और मेरे रिकवरी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मेरी रिकवरी मुझे करनी है। तो ये मामले के अंदर भी मुझे दोस्तों बहुत ध्यान पूर्वक रहना पड़ेगा कि जब मैं नुकसान भरपाई की बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो ठीक तरीके से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे हर मामले के अंदर मुझे नुकसान भरपाई करनी है, और कई कई मामले में मुझे नुकसान भरपाई में जीना पड़ेगा, सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं। तो और ये सब चीजों के लिए मेरे को मेरा हायर पावर, आधे दोस्त लोग, लिटरेचर और भाइयों की शेयरिंग, उससे मुझे मदद मिलते रहती है, और मैं इन चीजों में से धीरे धीरे करके बाहर आना चालू हो रहा हूँ। कि अगर मैं ये बात को स्वीकार कर लेता हूँ कि भैया नुकसान भरपाई ये एक टाइम का एक्टिविटी नहीं है, तो ये लाइफ टाइम का एक प्रोसीजर है, मुझे उस प्रोसीजर के अंदर डालना पड़ेगा, और मुझे वो हिसाब से जीना पड़ेगा, और मुझे हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि तूने ये लोगों का जीवन नर्क बनाया था। हाँ, अब उसके लिए मुझे अपने आप को दोषी भी नहीं मानना है, अपने आप को कोसते भी नहीं बैठना है, खुद को कंडेम भी नहीं करना है कि क्या तूने ऐसा किया वैसा किया, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे अपने आप को भी माफ करना है, और सेम टाइम पे उनके साथ में भी अच्छा बर्ताव करना है। ये दोनों के बीच में स्वर्ण मध्य गाड़ना है मुझे, और ये अगर मैं 12 स्टेप्स के माध्यम से कर पाया, हायर पावर की कृपा से कर पाया,
तो ये एक बैलेंस मुझे जिंदगी में ला। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे ऐसा शरारी बहुत ही भावनात्मक आदमी है। नहीं, कभी कभी मुझे एकदम ही जितना ज्यादा खुन्नस आती है उतना ही रिवर्स के अंदर मुझे अपराधीपन की भावना भी लगती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। और फिर मेरे को एकदम वो गिल्ट सताने लग जाता है, अपराध का बोध होने लगता है। और ऐसे में मैं कई बार अपने आप को कोसने के चांसेस है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करते हुए मुझे अपने आप को भी माफ करना चाहिए। और ठीक है यार, अब मैं कोई जानबूझ के तो अल्कोहलिक नहीं बना, मैं जानबूझ के तो नहीं ये सब चाहता था करने के लिए, लेकिन किया है मैंने ही। गलती मेरे से हुई है, फिर जानबूझ के हुई है या अनजाने में हुई है। अब जिम्मेदारी मुझे लेनी है, क्योंकि जब वो जिम्मेदारी मैं लूंगा और जिम्मेदारी लेके मैं चलता हूँ, तो मैं दूसरों के नजरों में नजरें मिलाकर देख सकता हूँ। नहीं तो हमेशा से मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैं लोगों से नजरें मिला नहीं सकता हूँ, नजरें मैं चुराता हूँ। एक तो मेरी नजरें नीचे ही झुकेली रहती है, सामने वाला बात करता है या तो फिर मैं इधर उधर देखता हूँ, मैं आंख में आंख डाल के बात करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। और ये हिम्मत क्यों नहीं होती है मेरे को, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्तियों के साथ में मैंने जो कुछ भी किया है वो सब बातें मेरे को याद आती है और मुझे शर्मिंदा महसूस करती है। तो दोस्तों, ये दोनों तीनों चीजों से मुझे उभर के आना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं ये कदमों अपने आप को कदमों पे काम करके बदलने का प्रयास करते जाता हूँ, अपने आप को ठीक करने की जिम्मेदारी लेते जाता हूँ, दोस्तों वो धीरे 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 करके ठीक होने लगता है। और इसके लिए मुझे अपने आप को माफ करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कैसा है कि ऊपर वाले ने मेरे को आज तक की गलतियों के लिए माफ किया है। माफ किया है, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मेरे को आप जैसे दोस्त लोग मिले, ये फेलोशिप मिली, और इसलिए मैं आज जिंदा हूँ और आज मैं अच्छा हूँ। ये कोई मैं मेरे बलबूते पे नहीं हूँ। तो आज तक की गलतियों के लिए ईश्वर ने मुझे माफ किया है, और अभी मुझे भी कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने आप को भी सजा दूँ। तो मैं अभी अपने आप को पनिश करना बंद करूं और मैं इसमें से बाहर निकलूं। कैसा है कि मैं अगर ज्यादा अपराध के भाव में रहूंगा या ज्यादा मैं खुन्नस के भाव में रहूंगा, तो भी मैं कुछ रचनात्मक नहीं कर पाऊंगा। तो ये दोनों चीजों से मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। कल जैसे मैं कह रहा था कि जिन लोगों ने मेरे साथ में कुछ गलत किया है, तो उनको मैंने माफ करना चाहिए। और मुझे माफी मांगने का अधिकार तभी है जब मैं दूसरों को माफ कर सकूं, ये मैं कल बोल रहा था। अब मैंने जो कुछ भी गलत किया है उन चीजों के लिए भी मुझे माफ करना चाहिए। मेरा स्पॉन्सर हमेशा एक कहानी सुनाते थे, वो येलो रिबन का एक कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि एक लड़का एक लड़की के साथ में बहुत प्यार करता था और दोनों ने तय किया था कि वो लोग शादी करेंगे करके। लड़का वैसा अच्छा था, लेकिन लड़का थोड़ा गुस्सेलू था, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाता था और गुस्से में कुछ कर बैठता था। और एक दिन ऐसा ही हुआ, ये लड़की का और लड़के का 2 दिन में शादी तय हो गया था, और 2 दिन पहले ही ये लड़के का किसी के साथ में कुछ झगड़ा हो गया और ये लड़के ने उस आदमी को धक्का मारा, तो वो आदमी पत्थर पे जाके गिर गया और उसका सर फट गया और वो जगह पे मर गया। और ये सोचने लगा कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, और अभी 2 दिन में मेरी शादी है और अभी वो लड़की क्या सोचेंगे, सब बाकी के क्या सोचेंगे। तो वो सीधा भागा, वो लड़की के पास गया और लड़की को जाके बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। और लड़की पहले तो गुस्सा करी, तेरे को समझाया था कि तू पागल जैसा मत कर, फिर भी तूने ऐसा किया। तो ठीक है, अभी एक काम कर, जा तू अपने आप को
कानून के हवाले कर दे। बोला अभी कानून के हवाले करेगा तो वो तो मेरे को जेल में डाल देंगे। ठीक है, जा जेल में, जो भी सजा है उसने जो गलतियां की उसकी जिम्मेदारियां ले, और फिर तू जब सजा काट के आएगा मैं तेरा इंतजार करूंगी, लेकिन तू इस बार बदल के आना और अभी वो हरकतें मत करना। तो वो जेल चला जाता है, और फिर वो जेल में जब लड़की उसको मिलने को आती है तो उसको बोलता है कि तू यहाँ पर मेरे को मिलने को मत आ, मैं जब आऊंगा तभी तू मुझे मिलना, लेकिन मुझे खाली एक बात पता होनी चाहिए कि मैं जब आऊंगा तो तूने मुझे माफ किया रहेगा, तो मुझे कैसा पता चलेगा। तो लड़की बोलती कि जहाँ हम मिलते थे वहां पर एक जो पेड़ था पीपल का, वहां पर मैं पीले रंग की रिबन बांध के रखूंगी, और वो रिबन देखने के बाद तू समझ जाना कि मैंने तेरे को माफ किया है करके। अब ये लड़का 20 साल की सजा होती है, अच्छा बर्ताव करता है करके कानून उसको 14 साल में छोड़ देता है, और 14 साल के बाद जब वो जेल से अपने घर की तरफ आते रहता है, तो जैसे ही वो बस में बैठ के आते रहता है और वो झाड़ करीब आना लगते हैं, तो उसको वो ख्याल आना चालू हो जाता है कि उस झाड़ पे रिबिन रहेगी कि नहीं रहेगी। और जैसे ही वो झाड़ करीब आता है वो मुंह वो साइड फेर लेता है और पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को बोलता है कि यार वो झाड़ पे देखा है क्या कुछ, तो पड़ोस को बोलता है कि पता नहीं किसी पागल ने हजारों रिबिन बांध के रखी है। तो मेरे स्पॉन्सर कहते थे हमेशा कि उस लड़की ने उसको हजारों बार माफ किया, लेकिन ये लड़का 14 साल जेल में रहने के बाद में भी अपने आप को माफ नहीं कर पाया। तो कभी कभी मेरे केस में भी ऐसा ही होता है कि कुछ बातों के लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ, और शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सजा देना चाहता हूँ। दोस्तों, मुझे अपने आप को ही माफ करना पड़ेगा, और दूसरों ने मेरे साथ जो गलत किया है उनको भी मुझे माफ करना पड़ेगा। और तीसरी जो बात है जो मैं पहले कह रहा था कि मुझे माफी में जीना पड़ेगा, सिर्फ सॉरी बोल के नहीं चलेगा। तो मेरे घर वालों के जो चेहरे जो मुरझा गए थे, जो तनाव में आ गए थे, उनके चेहरे के हाव भाव बदलना है। हाव भाव बदलना है मतलब चेहरा खींच के नहीं करना है मुझे, मुझे उनके साथ में अच्छे तरीके से जिंदगी जीना है, ताकि वो पुरानी बातों को भूल जावे और एक नई आशा की तरह, एक बदले हुए जीवन की तरह मेरे रिकवरी में वो लोग भी सहभाग हो जाए। उनके मन से वो पुरानी असुरक्षताएं, पुराने डर, वो तब निकल जाएंगे जब मुझे वो बदला हुआ देखेंगे। और वो लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि भी चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कि गोपी पुराने तरीके से पेश नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर ठीक तरीके से काम नहीं करता हूँ, रिकवरी पे नहीं हूँ, 12 स्टेप प्रोग्राम अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कई बार चांसेस रहते हैं कि मैं शराब से दूर रह के भी ड्राइविंग स्टेज में रहता ही हूँ, और मेरा घर में चिल्लाना, गंदे तरीके से पेश आना, तो उनको वापस से उनके वो जो पुराने जो जख्म धीरे धीरे बढ़ते आ रहे थे वो फिर से ताजा हो जाते। तो वो जख्मों को भरे रखने के लिए मुझे मेरे बर्ताव के ऊपर काम करना पड़ेगा। और काम करना पड़ेगा मतलब सीधा सिंपल है यार, अगर मैं रिकवरी प्रोग्राम पे हूँ, 12 स्टेप प्रोग्राम पे हूँ, स्पॉन्सर के टच में हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं सेवाओं में हूँ, तो मेरा बर्ताव बदला हुआ ही रहने वाला। तो दोस्तों, मेरा ज्यादा अमेंड्स पे सॉरी बोलने पे मैंने तब ये किया था, और उस चीज के लिए मुझे क्षमा करो, वो बहुत आसान पार्ट है। डिफिकल्ट पार्ट ये है कि मुझे क्षमा में जीना, अमेंड्स में जीना, कि जिन गलतियों के वजह से मुझे आज माफी मांगने की नौबत आई है, उन गलतियों को न दोहराना, उन गलतियों को रोक देना, और दूसरा उसका जो अपोजिट साइड है
जो सकारात्मक साइड है उसको अपनी जिंदगी में लाना और उसमें सातत्य रखना, और वो सातत्य लोगों को दिखाई देगा, खास करके जिन लोगों को मैंने दुखाया है वो लोगों के साथ, ताकि उनके साथ में मेरा जो वातावरण है वो एक आरामदायक वातावरण बने, कि मेरे घर वालों को मेरे से बात करते टाइम पे मेरा मूड देखने की जरूरत नहीं, मेरा हर टाइम पे एक ही मूड रहना चाहिए और वो अच्छे वाला। ऐसा जब उनको वो दिखाई देगा दोस्तों, तो मेरे घर के लोग मेरे साथ में बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। हाँ, और फिर अगर मैं कई बार ऐसा बोला हूँ कि अरे मैंने तभी ऐसा किया था, अरे छोड़ ना तू किधर उधर लेके बैठा है वो सब चीज, बोला नहीं वो प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम में ऐसा बोला गया, बोले रहेगा तेरे प्रोग्राम में लेकिन हमने तो तेरे को कब का माफ कर दिया, छोड़ दे वो सब किधर, वो सब बातों को याद करते बैठता है, उनको मालूम था तू एक्चुअल में ऐसा नहीं है। होता है आदमी के साथ, इंसान है, और मेरे घर वाले तो हमेशा ऐसा कहते थे इंसान गलतियों का पुतला है, तो वो गलती है, कल गलतियां करता है। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे बहुत से टाइम पे ये सारी चीजों का सकारात्मक ये मिला है। हाँ, अभी कुछ कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर मुझे जैसा नवे कदम में बोला है कि ऐसे लोगों को हमने नजरअंदाज किया। एक किस्सा मेरी जिंदगी में ऐसा था मेरा 86-87 में शराबीपन जोर शोरों से चल रहा था और समझ में नहीं आ रहा था क्या करने का। हमारे एक पड़ोसी थे, उन्होंने मेरे को मदद के लिए क्यों पीता है क्या करता है तो मेरा नौकरी नहीं है, उन्होंने मुझे एक जगह काम पे लगाया, उनके दुकान में ही लगाया काम, और मैं वहाँ पर रहकर भी उन्होंने कहा कि काम यहाँ करने का लेकिन तुझे कैश नहीं मिलेगा, तेरे पैसे सब घर में पहुँचेंगे, पीने की तो आदत है। तो मैं क्या करता था, उनके इधर से चोरियाँ करता था, और चोरी करके रात को फिर 10 बजे आकर फिर जाके चुपचाप पीता था, फिर 11 बजे आके सो जाता था। थोड़ा सा डर भी था उन व्यक्ति का, तो इसलिए मैं शायद ऐसी करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गए, और वो बीमार पड़ने के बाद में कुछ दिन दुकान पे नहीं आए, उनकी लड़कियां आती थी दुकान पे, और एक दिन मेरे डैड आए और वो बोले कि वो अंकल एक्सपायर्ड हो गए। तो लड़कियां तो रोना चालू हो गई, वो मेरे डैड के साथ में जाने लगे, बोला रुको रुको मैं अभी आ रहा हूँ दुकान बंद करके। मैं दुकान बंद किया, मैं भी उनके पास गया, थोड़ा रोने का नाटक किया और फिर वापस आया मैं, और वापस आकर फिर मैंने वो दुकान खोला, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी दुकान 10-15 दिन बंद रहने वाला। अब कुछ पैसे वो अंकल ने कहीं तो रखे थे जो मुझे और वो अंकल को ही मालूम थे, वो पैसे मैंने वहां से निकाले और चाबी वहां रख डाली और फिर मैं पीने को चला गया, और 10-12 दिन मेरा वो पीना चल रहा था। अभी ये तो जो भी अमाउंट थी वो कुछ अमाउंट ज्यादा नहीं थी, 500-700 रुपये थे और उतने पैसे मैं दे सकता हूँ, तब भी दे सकता था। लेकिन अगर मैं आज उनको जाके बोलूँ कि आपके डैड मर गए थे और उस टाइम पे मैंने ये चोरी की थी, या मैं पहले भी तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था, ये शायद उनका दिल दुखेगा यार। तो मैं कुछ और तरीके से उनके साथ में नुकसान भरपाई कर सकता हूँ क्या, ये चीजों के बारे में मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है कि कुछ लोग मेरे जिंदगी में ऐसे आए हैं जिनके साथ में मुझे नुकसान भरपाई करनी है, लेकिन वो आज इस दुनिया में ही नहीं, उनका मैं क्या करूंगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि उनके बारे में तू एक काम कर सकता है, कि तू उनके नाम का एक नुकसान भरपाई का खत लिख, और वो खत मेरे सामने बैठ के पढ़ और मेरे से ही माफी मांग। तो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला उन तक वो बातें पहुंचा देगा। तो मुझे मेरे भूतकाल की गैर जिम्मेदारी की जिम्मेदारी उठानी है, कि मेरा भूतकाल ठीक करना है
अब मैं मेरी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। जो कुछ भी गलत बर्ताव मैंने किए हैं, सब गलत बर्ताव को ठीक करने का समय अब आ गया है। और दोस्तों, जैसे जैसे मैं इन बर्तावों को ठीक करते जाता हूँ, या उन हरकतों को मैं पहले बंद कर देता हूँ जिनके वजह से मुझे माफी मांगनी, और भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है उसको धीरे धीरे करके जिम्मेदारी लेने की कोशिश करता हूँ, और कुछ जो पार्ट है उसको मैं, जो डैमेज हो गए जिसको शायद मैं कुछ भी करूँ तो भी नहीं हो सकता है, तो मुझे उसको वैसे ही स्वीकार करके तो उसके साथ में जीना पड़ेगा, और ना ही उस बात को लेकर अभी अपने आप को दोषी तो मानने की जरूरत है, नहीं खुद को सताने की जरूरत है, नहीं किसी और को दोष देने की जरूरत है कि ठीक है यार ऐसा आया जिंदगी में, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, चलो कोई बात नहीं, इसमें से मैं बाहर निकलूंगा। और मैंने देखा है कि यार मैंने इतना कुछ किया है बुरा, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन देखा है कि लोगों की कहानियां मेरे से भी खतरनाक खतरनाक है, तो ये मैं तो सही है ना इससे एक तो भूतकाल की जो जिम्मेदारी है वो मुझे नवा कदम लेने के लिए बात करता है, और वो जैसे जैसे मैं लेते जाता हूँ, और ये मुझे जिंदगी भर लेते रहना पड़ेगा, मुझे अमेंड्स में जीना पड़ेगा। कुछ लोगों के मामले में मुझे उनके साथ में कभी भी किसी भी तरीके का गलत बर्ताव मुझे नहीं करना, जो मैं ये करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो मैं मेरे गलतियों की जिम्मेदारी, गलतियों की क्षतिपूर्ति जो मैं करने को जा रहा हूँ, तो ये दूसरों ने स्वीकार करना चाहिए कि यार ठीक है आया ना, माफी मांगा ना, तो चलो जाने। कई बार मैं लोगों के साथ में इस तरीके की अपेक्षा रख सकता हूँ कि मैं माफी मांग रहा हूँ तो मुझे माफी मिलनी चाहिए। अभी ये फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला उनका ही रहेगा, वो लोग ही तय करेंगे। हो सकता है मेरे साथ हुआ है कहीं कुछ मामले में, बोले तू आना ही मत, यहाँ क्यों आया, तू चले जा, बोला नहीं मैं माफी मांगने वाला, काहे का माफी, अभी तेरे से बात ही नहीं करनी। तो दोस्तों ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे साथ में ऐसा ज्यादा नहीं है लेकिन एक दो चीज है। अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने समाज में डैमेज किया हुआ है, क्योंकि तो दारू पी के मैं जो हरकतें करता था, जैसे मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया कि वो अमिताभ की पिक्चरें देख के आता था और एंग्री यंग मैन मेरे अंदर आता था, और फिर मैं कुछ भी हरकतें करता था। तो सुवाड़ पिक्चर देखी थी तो उसके अंदर वो अमिताभ कैसा पैसा जमा करता है माता के लिए, मैं भी ऐसे भाईगिरी करने और लोगों को कुछ भी करने का, दारू पी के जाके ये करने का, नाटके करने का। अभी हमारे इधर एक लड़का रहता था, वो था बेचारा एकदम पढ़ाकू सीधा साधा था, और मेरे को थोड़ा एक दिन उसने कुछ टेढ़ा बोल दिया तो मैंने उसको दारू करने से मारा। दूसरे दिन वो उसके भाई को लेके आया, के भाई ने मेरे को समझाया ये वो किया, अच्छा अच्छे से समझाया इसने, तो तभी बोला नहीं यार आपको पिए लाता करके हो गया। फिर दूसरे दिन रात को मेरे को वापस वो मिल गया और फिर उसको मैंने मार, और ऐसा करके एक बात के लिए लगातार मैं उसको 7-8 दिन मार रहा था, और रोज उसका भाई आता था, रोज मेरे को समझाता, वो बेचारे अच्छे लोग थे। हुआ ऐसा कि यार वो लोगों को ना मेरा एरिया ही छोड़ के जाना पड़ा, बोले यार अगर इनके साथ में रहेंगे तो ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं मेरे साथ में और भी लोग रहते थे ऐसे ही बेवड़े सब, हम पूरे गंदे तरीके से बर्ताव करते। आज वो लड़के को यार किस मुंह से जाके माफी मांगूंगा, क्या जाके उसको बोलूंगा,
कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं जा सकता हूँ उसके सामने। मुझे मालूम है वो कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वो बेसिकली अच्छे लोग हैं और कई बार मेरे को वो दिखते भी है सर रस्ते के अंदर। अरे क्या बोल लेगा उसको कि मैं दारू पी के तो को रोज काई के लिए मारता था? क्या कारण था? क्या आता था मेरे अंदर? ऐसी अनगिनत चीजें हैं दोस्तों, कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया है, मैं उनको जानता भी नहीं। अब उनका मैं क्या करने वाला था? मेरे जिंदगी के कुछ पीरियड ऐसे गए, मैं वो जो पिट पॉकेटर रहते हैं, पॉकेट मार लोग रहते हैं, उनके साथ में मैं रहता था। मेरे में हिम्मत नहीं आई कभी कि मैं किसी की जेब में हाथ डालूं। हाँ, लेकिन वो लोग जो लाते थे उनके साथ में मैं खाता पीता था। उनको मैं पुलिस चौकी से छुड़ा के लाता था, कोर्ट में से छुड़ा के लाता था। ये सब काम मेरे रह गए। वो किसका पैसा, वो बेचारा कहाँ लेके जाता रहेगा, किसी का पगार रहेगा, किसी का क्या रहेगा? अभी मैंने भले डायरेक्ट चोरी नहीं की, लेकिन मैं तो था उसमें मेरा, मैंने भी उसका शराब पिया, खाना खाया, जो कुछ भी किया। अब ये नुकसान करता कहाँ होगी यार? तो मैं ऐसे लोगों को भी तकलीफ दे चुका हूँ कि जहां पर मैं आज किसको माफी मांगने जाऊँ? समझो कोई वो आदमी मेरे सामने से भी जाएगा तो भी मुझे पता नहीं चलेगा कि तो आज भगवान ने परिस्थिति भले ही सही कर दी है, आज चाहे तो वो पैसे मैं दे सकता हूँ, लेकिन किसको दूंगा, कैसे करूंगा? तो कुछ बातें जो है वो ठीक नहीं होगी, और उसके लिए भी मुझे अब गम करने की जरूरत नहीं है। क्या है, तो मेरी बीमारी ऐसी है और ये बीमारी के चलते मैंने ऐसा ऐसा किया है। खाली मैं याद रखूं, अपराध भाव भी महसूस करने की जरूरत नहीं है, खुद को कोसने की भी जरूरत नहीं है। और ठीक है, तेरे यहाँ से ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, वो तेरा भूतकाल है, उसमें से तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तरीका मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अमेंड्स में जीना है। और इसीलिए जैसा ये ने मुझे मार्ग बताया है कि मैं उपयुक्त जीवन जीऊँ, कि मैं आज ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों के उपयोगी पड़ सकता हूँ, फिर मैं जिनको जानता हूँ या नहीं भी जानता हूँ, तो आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के काम में आने की कोशिश करता हूँ, फिर भले वो ए के बाहर के रहे तो भी। तो ये मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में मैंने गलतियाँ की है, तो समाज में आज थोड़ी बहुत सेवा करना बनता है, ए में सेवा करना बनता है, घर में सेवा करना बनता है, रिश्तेदारों में सेवा करना बनता है। तो अब मेरी जो पूरी जिंदगी है वो सेवा के तरीके से अगर मैं जीऊँ, तो दोस्तों कुल मिला के 90 कदम का परिणाम मेरे जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मेरा भूतकाल अब मेरे वर्तमान को तकलीफ नहीं देता है, क्योंकि जो कुछ भी भूतकाल में गैर जिम्मेदारानी कृतियाँ मेरे हाथ से हुई थी, उन सब की जिम्मेदारियाँ मैंने ठीक तरीके से ले ली, और कुछ लेते रहनी पड़ेगी, कुछ चीजों में मुझे जीते रहना पड़ेगा, और वो प्रयास अब मेरा आज भी जारी है दोस्तों। और जब तक मैं रहूंगा तब तक मुझे ये करते रहना पड़ेगा। तो ये कोई अमेंड्स हो जाती है पूरी, मेरा ऐसा नहीं मानना है, कोई और का रहेगा पता नहीं मुझे, लेकिन मेरा कम से कम ऐसा नहीं मानना है। क्योंकि कैसा है ना, जैसा हम बोलते हैं कि कांच की एक चीज अगर टूट जा रहे है, हाँ हम उसको जोड़ सकते हैं, फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर से वो वैसी नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया है, तो मैंने लोगों का दिल तोड़ा है, लोगों के अरमान तोड़े हैं, क्या बहुत बहुत कुछ तोड़ के आए लोग, और अब वो जल्द से जुड़ जाएगा और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरीके की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। हाँ, लेकिन ध्यान में रखते हुए अच्छा बर्ताव करूँ। हाँ, शायद हो सकता है कि वो यादें उनके दिमाग से निकल जाए और वो भूल जाए और फिलहाल वर्तमान की परिस्थिति में जिए। अगर इतना भी हो जाए तो
तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे, और जो मैं वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं रुकता हूँ यहाँ पर, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, चलिए थैंक यू।